My today's topic is sequence and series. ओके okay? ये हमारा आज का क्या है टॉपिक रहेगा जो हम आज डिस्कस करेंगे. आप में से बहुत सारे बच्चों ने 10th क्लास में इस टॉपिक को कर लिया होगा, तो ऑलमोस्ट ऑल एपी, तो ऑलमोस्ट ऑल बहुत सारा पार्ट तो उसी में से रहेगा अबाउट एपी, और कुछ चीजें नहीं ऐड हो जाएगी उसमें एपी में. बट अगर मैं ये कहूं कि एपी ऑलमोस्ट वही है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम उसी को डिफाइन करेंगे. अब आप आइए इस चैप्टर में अगर हम देखते हैं तो वी हैव टू कॉन्सेप्ट, वन इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड अनदर इज कॉल्ड सीरीज. तो आपने इन पे फोकस करना है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक, जब भी हम कोई टॉपिक स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज है. ठीक, अब देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था सेट्स तो हमने कहा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. अगर हम वेल डिफाइंड कट कर दें और जस्ट लिखें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर, ओके, जब हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किसी ऑर्डर में अरेंज करें, किसी भी ऑर्डर में एक पैटर्न लेके, ठीक है, तो हम उसमें से करेंगे कि दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, एंड सो ऑन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ठीक, तो इस तरह की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सीक्वेंस डिफाइन करते हैं. क्या डिफाइन करते हैं? सीक्वेंस. अब थोड़ा सा देख लीजिए, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स. व्हेन अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर आइडेंटिफाई एज फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड सो ऑन, इट इज कॉल्ड सीक्वेंस. ओके, अगर कोई आपसे ये पूछ ले. अब एक चीज देखिए, सीक्वेंस का कैसा मैटर होता है. मान लीजिए यू आर डिपॉजिटिंग अ मनी इन अ बैंक एवरी ईयर. आप कितने डिपॉजिट करा रहे हैं डजंट मैटर, बट आप देखेंगे इफ यू आर डिपॉजिटिंग द मनी एवरी ईयर तो आपको पता चल रहा होगा कि आपकी मनी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही. मान लीजिए पहले ईयर में आपने 3600 रुपीज करवा दिए, फिर 200 करवा दिए, फिर 500 करवा दीजिए, बट जब आप देखेंगे तो आपकी टोटल अमाउंट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस. ठीक, द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, हम जानते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, तो दैट इज ऑल्सो आ. ठीक, अब एक चीज और देखिएगा, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एक ऑर्डर में चलते हैं, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं. ठीक, दिस वन. अब देखिए, जब एक सीक्वेंस कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो करने लग जाती है, क्या बच्चे, एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करने लग जाती है, तो हम उनको बोलते हैं प्रोग्रेशन. क्या डिफाइन करते हैं? प्रोग्रेशन और प्रोग्रेशंस. जब उसका एक पैटर्न क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है. आपने प्रीवियस क्लास में, दैट मींस इन क्लास 10th, आपने एक प्रोग्रेशन स्टडी की थी विच इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसको हमने क्या बोला था, एपी. ओके, अब इस साल या आप कह लीजिए इसमें हम उसी के साथ एक और चीज भी स्टडी करेंगे विच इज कॉल्ड जीपी, दैट मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस. तो ध्यान रखिएगा, अभी मेरे पास सबसे पहली
प्रॉपर डेफिनेशन किसकी आ रही है, व्हाट डू वी मीन बाय सीक्वेंस, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अ सेट ऑफ नंबर्स ऐसा नहीं है बच्चे कि आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, बट यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि मैं किस चीज की बात करता हूं। ठीक, अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल और रूल्स, यानी एक भी हो सकता है और मैनी रूल्स भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड सीक्वेंस। और ईच नंबर इन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म, और उस सीक्वेंस में जो भी कोई नंबर होगा हम उसको क्या बोलेंगे, टर्म के नाम से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक चीज ये भी चाहिए, और द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, सेकंड वन इज कॉल्ड द सेकंड टर्म, एंड सिमिलरली हम इन टर्म्स को आगे पीछे क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ओके, अब आइए, जो हमारे पास सीक्वेंस होती है बच्चे, सीक्वेंस सीक्वेंस में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक, फाइनाइट का मतलब कि अगर हमें पता है कि इसमें कितने नंबर आएंगे या इसमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं तो हम उनको बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, और अगर हमें ऐसा पता चल जाए कि इसमें फाइनाइट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म्स को आप A1, A2, A3 से भी डिनोट कर सकते हैं, यू कैन डिनोट दैम विद T1, T2 एंड T3 के भी कर सकते हैं। ठीक, और इनका जो बच्चे सबस्क्रिप्ट होगा, मींस टू से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। आपसे कभी नहीं कहा जाएगा कि फाइंड द सीक्वेंस A-4, क्योंकि ये काउंटिंग में नहीं आता। तो सीक्वेंस आपसे कभी नहीं कहा जाएगा कि फाइंड आउट A0। तो आपकी जो नंबर सिस्टम है या सीक्वेंस का टर्म पैटर्न है, दैट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। इसलिए मैंने आपको कहा कि उनका जो सबस्क्रिप्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ओके, और ये जो सबस्क्रिप्ट है उसकी पोजीशन डिनोट करता है कि वेदर इट इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। शायद आपको लग रहा होगा कि हम ज्यादा ही बेसिक कर रहे हैं, बट ये करना जरूरी। ओके, एनी हाउ, ठीक, तो ये पोजिशन को क्या करता है, डिफाइन करता है। अब इसी में चलते चलते हम एक और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, विच इज कॉल्ड ए एन और विच इज कॉल्ड टी एन। ए एन इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है बच्चे, जिससे हम पर्टिकुलर टर्म बना सकते हैं। ठीक, आपने एक टर्म, इसको हम एंथ टर्म भी बोल देते हैं, और इसका रियल नेम क्या है, जनरल टर्म। जैसे आइए, When we are starting any sequence A1, A2, A3 up to कहां तक An, तो this is called general term। और देखिए, अगर मैं इसमें n की value 1 put up कर दूंगा, this is the first term, 2 put up कर दूंगा second term, 3 put up कर दूंगा third term and so। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, this one। अब एक चीज और देखिए, sequence real number की भी हो सकती है, sequence कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है। एक चीज नोट कीजिएगा, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक, ये भी आपके पास एक सीक्वेंस है, ओके, ये भी आपके पास एक क्या है, सीक्वेंस है। मैं आपको कहां पे लेके जा रहा हूं वो भी देखते जाइएगा, मैं आपको लेके जा रहा हूं सीक्वेंस से किस पे, सीरीज पे। ठीक, तो सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकती है, जैसे देखिए, इफ यू आर चेकिंग इट, इनका डिफरेंस देखिए, 2, 2, 2, और यहां पे आके क्या होगी, प्रॉब्लम होगी।
ओके, तो वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। देखिए 1 2 2 4 2, यहां भी एक कॉमन सा क्या नहीं बन रहा हमारे पास, डिफरेंस नहीं बन रहा। ठीक, अब दिस 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 एंड दिस, इसमें भी हमें कोई रिलायबल सा क्या नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा। हाँ, एक पैटर्न बन रहा है, देखिए 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 and so on। ठीक, तो यहां पे हम इन चीजों पे आ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे आ रहा है बच्चे कि अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, ये मैं गलत कर गया था, अगर मैं ऐसे लिखूं, दोबारा से देखिए, ठीक, यानी ये 2 2 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब यहां पे देखिए 8 5 2 -1 -4, चेक कीजिए क्या आ रहा है हमारे पास, -3 -3 -3 -3, यहां पे क्या हो रहा है, +2 +2 +2। अब एक चीज और नोट करते जाइएगा, 2 6 18 54 1 4 5 8, नोट करने वाली बात है, 2 × 3 6 6 × 3 18 18 × 3, दिस वन ये ना कैरी ऑन था ऐसे, मतलब 3 3 से हम इनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये टोटल आपके पास क्या होती है, सीक्वेंस होती है, और सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले वाले एग्जांपल को भूल जाइए, मैंने उसमें थोड़ा सा एक गलत इंटरप्रिटेशन ले ली थी। तो एक डेफिनेट क्या होगा, पैटर्न फॉलो होगा। और बच्चे इसी को कहा जाता है कि व्हेन वी कनेक्ट द टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस विद द साइन ऑफ प्लस और माइनस, इट बिकम्स अ सीरीज। आप उसमें किसके साइन लगा दीजिए, प्लस के साइन लगा दीजिए या किसके साइन लगा दीजिए, माइनस के, ओनली प्लस एंड माइनस, दैट इज कॉल्ड सीरीज। और उस सीरीज में जैसे एक चीज देखिएगा, मैंने आपको लास्ट में ये चीज बताई थी, इसको मैथमेटिक्स में एक अलग ही नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज फिबोनाची। ठीक, हम जिन सीरीज को पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म ऑफ अ सीरीज इज सेम, देन दैट पर्टिकुलर सीरीज इज कॉल्ड एपी। ठीक, दैट इज 3 - 2 भी हो सकता है, 4 - 3 भी हो सकता है, 5 - 4 भी हो सकता है, 10 - 9 भी हो सकता है। दूसरा आइए, इफ द रेशियो ऑफ टू कंजेक्टिव टर्म, any two consecutive term is same, then that particular progression is called GP, which is known as geometric progression. ठीक, एक चीज और देखिए, नोट करने वाली बात बच्चे ये है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता, प्लीज नोट करके देखिएगा सीक्वेंस सीरीज में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, पहले तो उसको देखिए। अगर हम किसी सीक्वेंस को किसी एक जनरल फार्मूला के साथ क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे, तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन बोल देते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, प्रोग्रेशन। नोट कीजिएगा, मैंने आज आपके साथ 3 वर्ड डिस्कस किए, सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन, और तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन। तो अगर आप देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर किसी सीक्वेंस को किसी जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो देन इट बिकम्स अ प्रोग्रेशन। जब हम किसी सीक्वेंस को पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ अटैच करके लिखे, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। ओके, ये हमारे पास क्या रहेगा, इसमें टर्म रहेगा। अब बात होती है एक सिंपल सी, इसको चेक कीजिएगा जरा, 2 4 6 and 8। पहले मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, अगर मैं इसको किसी जनरल टर्म के साथ रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं an = 2n। चेक कर लीजिए,
बिकॉज व्हेन आई पुट एन इज इक्वल टू वन मेरी पहली टर्म आ जाएगी, व्हेन आई पुट एन इज इक्वल टू टू मेरी दूसरी टर्म आ जाएगी, एन इज इक्वल टू थ्री मेरी तीसरी टर्म आ जाएगी। तो ये इसका जनरल रेफरेंस है। ओके, ये आपके पास सीक्वेंस थी, ये आपके पास क्या बन गया प्रोग्रेशन, और अगर प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, यानी अगर मैंने इनको ऐसे कर दिया तो अब आप देख पा रहे हैं इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो देन इट बिकम्स अ सीरीज। तो इस चीज का आपने क्या रखना है, ख्याल रखना है। ठीक, अब देखिए मेरे को जैसे उसने कहा कि ए एन इज इक्वल टू 4n² + 3, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ योर सीक्वेंस। हमारी सीक्वेंस की ये कौन सी टर्म है, जनरल टर्म है। एंड ही सेड फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स। तो चलिए मैं फर्स्ट फोर टर्म पे मूव करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट n इज इक्वल टू 1, तो इट बिकम्स 7। नाउ आई पुट n इज इक्वल टू 2, इट बिकम्स 19। नाउ आई पुट n इज इक्वल टू 3, तो इट बिकम्स 39। नाउ आई पुट n इज इक्वल टू 4, तो वी गॉट 67। तो यू विल फाइंड 7, 19, 39 एंड 67। चेक कर लीजिए बच्चे, ये आपको कहीं से भी एपी नहीं ना लग रही, बिकॉज इनका कॉमन डिफरेंस क्या नहीं, सेम नहीं है। तो मैं इसको क्या नहीं बोल सकता, एपी नहीं बोल सकता, या ऐसा कह लीजिए कि एपी नहीं डिफाइन कर सकता। बट ये सीक्वेंस है, और अगर मैंने इसके बीच में प्लस माइनस के साइन लगा दिए तो ये कोई ना कोई सीरीज बनेगी, क्योंकि सीरीज ओनली एपी और जीपी नहीं होती, और भी बहुत सारी सीरीज है, एचपी, एजीपी, स्पेशल सीरीज, समथिंग एल्स। ठीक है, अब एक चीज नोट कीजिएगा, अब मेरे को ये कहा गया ए एन nth प्राइम नंबर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे, जल्दी से इसकी फर्स्ट फाइव टर्म्स बताइए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सीक्वेंस। हाँ जी, बना के आंसर लिख दीजिएगा। बस एक गलती कर गए बच्चे, ऑलमोस्ट सभी ने वन लिख दिया। देखो अगर मैं ए वन कहूंगा तो इसका मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2। ए टू करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। ए थ्री करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5। ए फोर करूंगा तो 7। अब कई भाइयों ने 9 भी लिख दिया, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब अगर मैं आगे चलूंगा तो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, आगे चलूंगा तो क्या हो जाएगा, 13। दिस इज द सीक्वेंस, और जब आप इस सीक्वेंस को कनेक्ट कर लेंगे तो ये एपी तो नहीं लग रही, और ना ही ये क्या लग रही है, जीपी। बट कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एपी हो या क्या हो, जीपी हो। तो इस चीज पे हमें कोई नोटिस नहीं करना, हमें दो टर्म चाहिए बच्चे, सीक्वेंस से जनरल रेफरेंस बनाना आना चाहिए, और जनरल रेफरेंस से सीक्वेंस तो मेरे ख्याल में हर कोई कर, सिक्स्थ वाला बच्चा भी कर लेगा, अगर मैं ए एन प्रोवाइड करके उसको कहूँ फाइंड आउट ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, वो कर लेगा। बट इसी में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, आई वॉन्ट अ सीक्वेंस फ्रॉम यू एन स्क्वायर व्हेन एन इज इवन एंड एन स्क्वायर प्लस 1 When n is odd, बनाइएगा जरा इस सीक्वेंस।
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी होगी इसमें कि व्हेन यू पुट ऑड नंबर तो आपकी पहली टर्म क्या आ रही होगी बच्चे, टू। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आ रही होगी, फोर। ऐसे नहीं बच्चे, आपने टर्म देनी है, इवन ऑड के लिए अलग अलग नहीं लिखी जाती टर्म्स। ए वन का मतलब टू, ए टू का मतलब फोर, और जब हम ए थ्री में आएंगे तो फिर इसमें आइए, ये क्या हो जाएगा, टेन। ओके, और जब हम फोर पुट अप करेंगे तो फिर कहां पे चले जाएंगे, सिक्सटीन, एंड सो ऑन। इस तरह से इस क्वेश्चन की क्या बनती वैल्यूज पर, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करना है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बच्चे, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा सा आपके लिए और, ही सेड, ध्यान देना जो मैं अभी करने जा रहा हूं, माइनस वन पावर एन प्लस वन एंड थ्री पावर एन। जल्दी से मेरे को पहली तीन टर्म्स फाइंड आउट करके दीजिए, फर्स्ट थ्री, ये थ्री पावर माइनस एन, वेरी गुड, वेरी गुड विशाल, बस एक मिस्टेक कर गए, थोड़ा सा चेक करो, एरम चेक किट बच्चे, छोटी सी मिस्टेक हो रही है। वेरी गुड कवि, एक मिस्टेक हो रही, आई थिंक आप नोटिस कीजिए, योर फर्स्ट टर्म इज वन बाई थ्री, योर सेकेंड टर्म इज माइनस वन बाई नाइन, एंड योर थर्ड टर्म इज दिस। फिर से देखिए बच्चे, वन बाई थ्री, वन बाई नाइन, वन बाई 27। ओके, चेक कर लीजिए, अगर किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट था, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस, और इसमें कुछ भी नहीं होता सीक्वेंस। ओके, मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा शॉर्ट सी कल आपको, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज आपके पास अवेलेबल है। नाउ माई मेन फोकस इज ऑन दिस टॉपिक। अब हम आते हैं सीधा काम की बात पे, विच इज कॉल्ड एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम कब किसी सीक्वेंस को एपी बोलते हैं बच्चे, यू नो इट वेरी वेल, अभी आपके साथ डिस्कस हुआ था, और मैं ज्यादा इस पे इसलिए फोकस नहीं करूंगा बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस वर्क, ठीक। जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी, मींस टू से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब आइए, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ए एन, ए एन माइनस वन, विच इज नोन एज डी। ओके, कांस्टेंट हमारे पास ये वैल्यूज क्या होती है, डिफाइंड होती है, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बच्चे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड ए एन, विच इज अ जनरल टर्म। और मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यू नो द फार्मूला ऑफ जनरल टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी,
क्योंकि जिन चीजों पे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाने की जरूरत तो वो हम जल्दी से करेंगे। यू नो दैट वेरी वेल कि A1 को हम A बोलते हैं, A2 को हम क्या डिफाइन करते हैं, A+D, A3 कैन बी डिनोटेड बाई A+2D एंड सो ऑन। और इसी तरह से चलते चलते हम किस टर्म के ऊपर चले जाते हैं, विच इज कॉल्ड जनरल टर्म, और जनरल टर्म को लास्ट टर्म भी बोल दिया जाता है बच्चे, एल। एक ही बात होती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। एक चीज आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि इफ वी आर काउंटिंग द टर्म फ्रॉम द बिगनिंग तो वी डिनोट इट विद ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ओके। और इसकी लास्ट टर्म क्या हो जाती है बच्चे, एल। और एक चीज और देखिएगा, अगर हमें लास्ट टर्म से फाइंड आउट करनी हो तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल सा। कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो तो वी डिनोट इट एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टी, बस कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा। आप सब समझते हैं मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। इफ वी आर डीलिंग विद 2, 4, 6, 8 एंड सपोज कीजिए यहां पे 50 है, तो स्टार्टिंग से आप फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या हो जाएगा, आप ए की जगह पे यूज करेंगे एल, एन माइनस वन की जगह पे सेम, और डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी पॉजिटिव डी की बजाय क्या हो जाएगा, नेगेटिव डी। दीज आर द टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड दीज आर द टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये बिगनिंग से है और ये कहां से है, लास्ट से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना, बिगनिंग से और ये कहां से है, लास्ट से, जिनको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ओके। आगे आइए, आगे हमारे पास अगर क्वेश्चन की हम बात करें, मैं सीधा चल रहा हूं बच्चे, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक। तो अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं, एन बाई टू, टू ए, एन माइनस वन टू टी, मेरे ख्याल में कंफ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, बट अगर आपको फिर भी लगेगा तो आई विल एक्सप्लेन इट कि ये क्या फॉर्मूला है, एन बाई टू ए प्लस एल। मैं उतनी चीजें तो आपको जल्दी में करवाऊंगा जितनी चीजें आपने 10th क्लास में सीखी थी, बस ये 10th का एंड था, यहां पे टी एन और एस एल एंड सम क्वेश्चंस आर देयर। इसको हम इस फॉर्मेट के साथ क्या करते हैं, देखो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ एन टर्म्स। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे जो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, एक हमें यह दिया जाता है कि इफ दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी, तो यू नो इट वेरी वेल कि अगर ये एपी में है तो वी नो दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाती है, ए प्लस सी बाई टू। ये एपी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको चलकर इन द नेक्स्ट वी कॉल इट अर्थमेटिक मीन। थोड़ा सा जैसे ही हम एक दो सेशन आगे बढ़ेंगे तो हम इसको किसके साथ डिनोट करने लग जाएंगे, अर्थमेटिक मीन के साथ डिनोट करने जाएंगे, और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एक हमारे फॉर्मेशन। अब आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट यू विल टेल मी वेदर दिस सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग एपी और नॉट, बस यस या नो। वेरी गुड कर्णवीर, आदित्य वेरी गुड, डेवी विशाल ग्रेट। बच्चे ये किसको डिनोट नहीं कर रहा, एपी को डिनोट नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप इसकी सीक्वेंस, अच्छा इसका ना आपको एक जनरल मेथड बताता हूं, आई थिंक हम सारे कैसे करते हैं,
नोट कीजिएगा, अभी मैं आपके पास आऊंगा। एक और ले लीजिए क्वेश्चंस, वेदर इस पे आइए, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2n+3? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। यस, हमारे पास इसकी मॉडस अपरेंडी में टू फॉर्मेशन होती है, बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 5, अगर आप 2 पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, अगर आप इसमें 3 पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट, 1 पुट अप करेंगे 5, 2 पुट अप करेंगे 7, 3 पुट अप करेंगे 9, 4 पुट अप करेंगे 11 एंड सो ऑन। चेक कीजिए, 5 11 21, 5 7 9 एंड 11। एक मेथड तो ये हो जाता है मैनुअल। एक बच्चे और नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा, मैंने जैसे कहा था, अब देखिएगा कैसे हम करेंगे। ए एन, ए एन माइनस 1, थ्रेटिकल क्वेश्चंस में हम इसी मेथड को यूज करते हैं। चेक कीजिए, 2n² और मैं बताऊंगा कैसे हम इसको जज करते हैं। इंस्टेड ऑफ n पुट n माइनस 1 होल स्क्वायर एंड 3। इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, मींस टू से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट 4n+1। और अगर आपके पास एट द एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ एन बच गया, इसका मतलब दैट इज नॉट एन, बिकॉज ये एपी होती तो यहां पे कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए थे। नाउ दिस टर्म विल डिपेंड अपॉन एन, दिस मींस दिस इज नॉट एन एपी। इसका दूसरा पार्ट आइए, अब मैं इस पे यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो वी विल फाइंड ए एन की वैल्यू 2n+3, ए एन माइनस 1 की वैल्यू 2n+3, सॉल्व कर लीजिए, 2n+3 माइनस 2n+2 और नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2n-2 एंड प्लस 3। तो चेक कीजिए, 2n 2n, 3 and 3 कैंसिल, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई 2, और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी एपी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको भी याद रखिएगा। अब एक एपी की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के साथ आपको लेके आ रहा हूं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एपी है, अब मेरा मन किया कि मैं इसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर, तो जब आप इसमें फिक्स्ड वैल्यू ऐड करेंगे बच्चे, चेक कीजिए क्या हो रहा है। मान लीजिए मैंने 1 1 ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स 3 6 9 12 and 50, इट विल रिमेन एज एपी। तो ये आपके पास फिर से किसकी वैल्यू है, एपी की ही वैल्यू है। गॉट माई पॉइंट, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका मन कर रहा है कि यू विल सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम इट, कुछ भी, मान लीजिए 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 1 4 7 10 13, इट विल रिमेन एज एपी। मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेदर वी विल गेट एपी और नॉट, जल्दी से।
नो यस नो यस नो यस, ये तो बड़ा कमाल हो रहा है। ये ओरिजिनल आईपी है। चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तो वी गॉट 6, वी गॉट 15, वी गॉट 24, वी गॉट 33, वी गॉट 42। चेक कर लीजिए डिफरेंस फिर सेम है, 9-9 का डिफरेंस हो गया। ओके, तो इट विल रिमेन एज इट। अब आपका मन कर रहा है कि हम इसको किसी कॉमन टर्म के साथ डिवाइड करें, किसी के साथ भी कर लीजिए। मान लीजिए 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो फर्स्ट टर्म बिकम्स 2/3, 5/3, 8/3 एंड 11/3। तो आप फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, सबका डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो बच्चे इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी आप किसी एपी को सर्टन फिक्स टर्म उनमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इट विल रिमेन एज एपी। हाँ, उसका डी या ए सेम नहीं रहेगा, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो डी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में उनकी वैल्यूज पे क्या हो जाता है, एक सिंपल सा क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ओके, अब एक चीज आप सब के साथ मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, आपने शायद की भी हो। एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं सीधा हाई एंड क्वेश्चंस पे जा रहा हूं बच्चे। हाँ जी, प्लीज टेल मी वेदर दिस इज एन एपी और जीपी। अगर एपी है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड, फिर हम आगे मूव करें। यस, वेरी गुड। दैट्स ग्रेट। ए की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 12 + 8 होता, ठीक। और डी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो वो हो जाएगी -12 होता। क्वेश्चन देखते जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। ही सेड विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, तो वी विल फोकस ऑन nth टर्म। देखिए nth टर्म में क्या हो जाता है, a + n - 1 × t। योर ए इज 12 + 8 होता, n - 1, योर डी इज 2 - होता। इनको सिंप्लीफाई कीजिएगा बच्चे, व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 14 - 2n एंड 9 - n × 2। यानी हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, टू पार्ट्स, रियल एज वेल एज इमेजिनरी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हो गया। तो दिस पोर्शन इज रियल एंड दिस पोर्शन इज इमेजिनरी। मेरा क्वेश्चन देखिए क्या था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज प्योरली रियल। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज प्योरली इमेजिनरी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के साथ कनेक्शन है, चेक कीजिए। ये दिस इज योर जनरल टर्म, और जनरल टर्म प्योरली रियल कब होगी, जब उसका इमेजिनरी पोर्शन 0 हो जाएगा। तो आई मीन टू से 9 - n = 0, तो आई कैन से n = 9। यानी 9th टर्म प्योरली क्या होगी, रियल होगी। एंड इफ समवन आस्क यू प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब आप रियल पोर्शन को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो दैट मींस 14 - 2n = 0। तो n की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 7 की इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन वही है जो आपने किस क्लास में किए थे, 10th क्लास में किए थे, बट मैं उनकी थोड़ी सी क्या चेंज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं।
अब देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे, चेक कीजिएगा, इंटरेस्टिंग वन। 2, 4, 6 एंड 8, और इसकी लास्ट टर्म में बची 100। द सेकेंड वन इज 3, 6, 9 एंड 12, एंड इट्स लास्ट टर्म इज 80। आप चेक कर सकते हैं बोथ आर इन एपी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी टर्म्स इन बोथ एपी आर सिमिलर। बच्चे हमने ये बताना है कि इनमें से कितनी टर्म्स क्या है, सिमिलर है। ओके, किन में, दोनों एपीज में कितने टर्म्स क्या है, सिमिलर है। तो इस चीज पे हमने क्या करना है, फोकस करना। अब देखिए, अगर तो आपके पास एग्जाम में बहुत सारा टाइम हो तो आप उसकी 100 टर्म्स लिख लीजिए, उसकी 80 टर्म्स लिख लीजिए और फिर कलेक्ट कर लीजिए, बट इट विल स्पॉइल योर 5 to 6 मिनट। ओके, अब इनको सिंपल सा रीजन है जो हम इसमें एक करेंगे, चेक कर लीजिए कैसे हम इस क्वेश्चन में जा रहे हैं या कैसे इस क्वेश्चन में क्या करें चाहे। वैसे आप में से कोई बता सकता है बच्चे कितनी टर्म्स होंगी इसमें? आपको बताऊंगा तरीका इसका कैसे जाना। वेरी गुड करणवीर विश। अच्छा, एक चीज नोट कीजिए, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें टर्म्स एक रोटेशन के बाद ही आएंगे। नोट कीजिए, 100 टर्म कितनी होगी बच्चे, 200, और अगर मैं इसकी 80th टर्म फाइंड आउट कर लूं तो वो कितनी होगी, 240। अब आप देखिए इनमें कॉमन आने वाली टर्म कौन सी होंगी, 6, 12, 18, चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब इसका एक सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, जब हम इस क्वेश्चंस को चेक करेंगे, आपके पास अगर मैं देख लूं कि इसकी nth टर्म क्या आएगी, तो दैट इज इक्वल टू 6n, तो 6n शुड बी लेस देन 200 एंड n इज लेस देन 100/3, मींस 33 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो जाए, 33। और आफ्टर द क्लास काउंट कर लेना लिख के जाए। बट वन मोर मेथड इज देयर व्हिच इज मोर सोफिस्टिकेटेड। देखिए इसमें तो ना आपका पैटर्न बड़ा सिंपल सा आ रहा था कि 6 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, तो आपको एक पैटर्न मिल रहा था। बट कुछ सीरीज ऐसे होती है जिनमें पैटर्न मिल ही नहीं रहा होता, तो फिर हम उनको कैसे डिवाइस करें, तो उसका भी हमारे पास एक अलग से क्या है, फॉर्मेशन। तो उस पे भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। ओके, दिस इज द बिगनिंग ऑफ अवर एपी। ओके, और एक चीज और, आपको जाते जाते आप अगर आपके आसपास कैलेंडर लगा हो, उस कैलेंडर को आप किसी भी ऑर्डर में देख लीजिए, कैसे भी पैटर्न में देख लीजिए, आपको एपी ही दिखे। ठीक, रो वाइज देख लीजिए, कॉलम वाइज देख लीजिए, डायगोनली देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, उल्टा पुल्टा कैसे भी, बट वो स्केल रख के देखिएगा तो यू विल डेफिनेटली गेट एन एपी। और एपी की एक खासियत और होती है बच्चे, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट एंड फोर्थ लास्ट, उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है।